ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेई क्रैक करने के लिए, जेई के सवाल करने के लिए आपको बेसिक्स क्यों क्लियर होना चाहिए। काफी सारे बच्चे यार इस बात को जानते हैं लेकिन उनको बारीकी से समझ में नहीं आता है कि यार बेसिक से मतलब फंडामेंटल्स हमें क्यों स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले को रट्टा मार लेते हैं और डायरेक्ट उसको अप्लाई करने का ट्राई करते हैं क्वेश्चंस में, या फिर डायरेक्टली बहुत टफ लेवल के सवाल करने लग जाते हैं और फिर उनसे बनते नहीं है, फिर डिमोटिवेशन आता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि आपके जेई में बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप और ज्यादा अच्छे तरीके से बेसिक्स पे अपने फोकस करो और आपको ये समझ में आए। मेरे भी कुछ आपके मैं थोड़ी सी स्टोरी अपने भी बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको हेल्प हो सकता है जेई के अंदर में इन बातों को समझने के बाद में, ठीक है ना। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वेल, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जेई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का रजिस्ट्रेशन, प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें एनरोल कर चुके हैं। फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर है वो है 1999 का एंड साथ में आपको 2022 का जो कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर के सारे डिटेल्स पढ़ो, अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड रिलैक्स करो, आपको डिजिटली जो है सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। 2022 का कोर्स आपको इमीडिएटली मिल जाएगा एंड 23 का कोर्स नवंबर एंड से स्टार्ट होगा जो आपका 23 के एग्जाम तक जो है चलने वाला है। इसमें आप क्या क्या सीखोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग सीखोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखोगे, लेटेस्ट पेपर मैट्रिक्स कैसे लग रहा है वो देखोगे, आप रियल टाइम एग्जाम टाइम सिचुएशन में एग्जाम टेम्परामेंट के अंदर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स किस तरीके से लगा सकते हो ये देखोगे, एक पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये सारी चीजें आप देखोगे। पिछले साल 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे एक्सक्लूसिव कोर्सेस को एनरोल किया था सारे एग्जाम्स मिला करके, जहां पर जेई मेन और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे। अभी हमने इस साल सिर्फ जेई मेन की लॉन्चिंग करी है और उसमें 150 प्लस स्टूडेंट्स कुछ ही दिनों के अंदर में हो गए हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक 2-3,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम आते आते, तो आप लोग अगर जल्दी एनरोल कर लोगे तो आपको फायदा ये मिलेगा कि सेम प्राइस में आपको 2022 का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यार आगे चल के बात करते हैं बेसिक्स क्यों आपको क्लियर करने चाहिए। मैं अगर आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताऊं तो मुझे मतलब कुछ कुछ बातें ना मेरे टीचर की याद रह गई थी। जैसे कि मेरे टीचर मेरे को एक बात कहते थे कि डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, ये एक सेंटेंस था, डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं इस पे आऊंगा। एक लाइन और था कि मेरे टीचर ने एक दिन कहा था क्लास में कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आसान क्वेश्चन को बार बार करो तो उससे कॉन्फिडेंस आता है टफ क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये दो लाइनें मैंने सुनी थी और उसको मैं अपने अंदर तक लेकर के गया था और उससे सब कुछ क्लियर हो गया। व्हाट इज डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली क्या होता है, मैं क्या करता था, इस चीज़ को कैसे फॉलो करता था, पहले मैं कोई थ्योरी पढ़ता था, फिर मैं ना स्टेट लेवल WBJEE है ना, महाराष्ट्र CET, कॉमेट के VIT, इस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टेट लेवल एग्जाम के क्वेश्चंस, मैं पहले उनको सॉल्व करता था। तो उसमें क्या होता था ना, एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन होता था, एक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन होता था, फिर धीरे धीरे मैं बिटसैट जेई मेन के लेवल पे आता था तो वहां पे देखता था कि अच्छा दो कॉन्सेप्ट मिलके एक क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे IIT JEE के क्वेश्चन में आता तो वहां देखता था अच्छा 3-4 कॉन्सेप्ट मिलकर के एक क्वेश्चन बने हैं। जैसे मान लो IIT JEE का कोई सवाल है जहां पर वर्क पर एनर्जी भी इन्वॉल्व है, वहां पर लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टेट लेवल क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे फ्रिक्शन का एक अलग क्वेश्चन होता है, लॉज ऑफ मोशन का एक अलग क्वेश्चन होता है, आपका वर्क एनर्जी का एक अलग क्वेश्चन होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, जेई मेन में फ्रिक्शन लॉज ऑफ मोशन एक साथ कर दिया और IIT JEE के लेवल में तीनों वर्क पर एनर्जी और वो सारी चीजें आ गई, हो सकता है और भी रोटेशन वोटेशन कुछ और आ जाए। सो ये चीज को मेरे को ना बहुत अच्छे से फील हो गई थी जब मैं पढ़ाई करता था, मैं इस चीज को फॉलो करता था कि भाई डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ प्रॉब्लम्स या फिर मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर एक कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आसान लगेगा, अगर 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बन जाए तो वही क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, HC Verma अगर आप सॉल्व करते हो तो HC Verma का आप देखना अक्सर जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेशली जो आपका कैलोरीमीटर कैलोरीमेट्री वाला जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कभी कैलोरीमेट्री करोगे लास्ट क्वेश्चन देखना कैसे उसमें 2-3 चीजों का मिक्सचर है, सिर्फ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन नहीं है उसके साथ में और चैप्टर्स का भी मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब आप पढ़ लेते हो और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो फिर जब आप लास्ट क्वेश्चन करते हो कैलोरीमेट्री का तो आपको समझ में आता है कि वाह यार, मतलब 2-3 चैप्टर का मिक्स करके जब क्वेश्चन आता है ना तब आपको मजा आता है। सो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल्स बेसिक्स आपके लिए क्यों जरूरी है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, ठीक है,
ईटीटीटी ट्रक रख के फिर एक बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है। उसी तरीके से जेई का एक टफ सवाल तभी सॉल्व होगा जब छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स और एरियाज के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है। दूसरा चीज हमारे पास में जो सर ने कहा था कि भाई आसान क्वेश्चन को ज्यादा बार करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने इसको भी बहुत ज्यादा फॉलो किया और आसान क्वेश्चन बार बार करने से जो फंडामेंटल है, जो बेस है, वो बार बार क्लियर होता चला जाता है। तो इन दोनों चीज को आप फॉलो करो, आसान क्वेश्चन को बार बार करो, फंडामेंटल्स बेस आपका बार बार क्लियर होता चला जाएगा। फिर जब आपका बेस तीन चार डायरेक्शन में अच्छा हो जाएगा तो उन्हीं तीन चार डायरेक्शन को मिला करके जेई का कोई टफेस्ट सवाल जो है वो बन सकता है और वो आप तब टैकल कर पाओगे। ठीक है, मतलब कहना बहुत आसान है कि भाई बेस क्लियर नहीं है इसलिए तेरा आईआईटी नहीं हुआ, कहना बहुत आसान है सिंगल लाइन में, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मैंने वो आज आपके लिए कोशिश करी कि उसको एक्सप्लेन करूं कि भाई क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई बेस क्लियर नहीं था इसलिए आपका नहीं हुआ सिलेक्शन। बिकॉज बेस क्लियर नहीं होगा तो आप जो स्टेट लेवल के क्वेश्चंस है एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स के वो नहीं कर पा रहे हो, वहीं नहीं कर पा रहे हो तो जब मिक्सिंग होगा कॉन्सेप्ट का, तीन चार कॉन्सेप्ट पे एक साथ सवाल आएंगे तो वहां पर आपका ब्रेन कैसे काम करेगा जो आपने इंडिविजुअल चीजों पर काम नहीं किया है। और अगर एक भी पोर्शन आपका गलत हुआ तो आंसर तो गलत ही आएगा। सपोज कर लो एक क्वेश्चन है जहां पे वर्क पर एनर्जी भी लग रहा है, लॉज ऑफ मोशन भी लग रहा है, आपने वर्क पर पढ़ रखा है, लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ रखा है, तो आंसर तो गलत ही आना है ना आपको, वहां पे एक टॉपिक पढ़ने के प्राइस थोड़ी मिलेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए बेसिक्स आपके जितने क्लियर हो, फंडामेंटल्स जितने क्लियर हो, जब टफ क्वेश्चन आता है तो वही फंडामेंटल्स मिक्स होकर के एक टफ क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको फंडामेंटल्स को ज्यादा क्लियर करना है तो क्या करोगे, आसान क्वेश्चंस को बार बार करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, बेस क्लियर होगा और तब आप टफ क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।